अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैमरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब भी आप स्पीड कंट्रोल की थेरेपी करते हैं तो उसमें आप काफ़ी अच्छे बोल लेते हो, तो आप कहते हो सर जब भी हम आराम से बोलते हैं, स्पीड कंट्रोल करके बोलते हैं, स्पीड कंट्रोल थेरेपी का यूज़ करके बोलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसमें भी कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिस पे हम बिल्कुल फंस जाते हैं, हमारे वर्ड्स नहीं उठते, ख़ास तौर पर क कॉन्सोनेंट के ऊपर। आज दोस्तों मैं क कॉन्सोनेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे आप स्पीड कंट्रोल थेरेपी में उसको उठा सकते हो, चाहे आपको कितनी भी दिक्कत हो, चाहे आप क वाले कॉन्सोनेंट के कितने भी वर्ड हैं, कितने भी कौन से भी वर्ड पर आप बहुत ज़्यादा फंसते हो, तो कैसे हम उस थेरेपी का यूज़ करके, कैसे हम क कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करके अपनी स्टैमरिंग को दूर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ ही कॉन्सोनेंट होते हैं जिनमें ज़्यादा दिक्कत आती है। अब शुरू में तो हम स्पीड कंट्रोल की थेरेपी कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है कि हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं, कुछ कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनमें ही दिक्कत रह जाती है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है चाहे हम कितना ही बोलें। यानी कि जो हम फंसते हैं, अटकते हैं, स्टैमर करते हैं, कुछ ही कॉन्सोनेंट, दो चार भी हो सकते हैं। कुछ के तो कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं वो एक ही कॉन्सोनेंट होता है, जैसे खास तौर पे क, ये टंग वाला कॉन्सोनेंट होता है। दोस्तों हमारे तीन तरह के कॉन्सोनेंट होते हैं, एक हमारे ब्रीथ वाले जिनको हम स्ट्रेचिंग वाले कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं, जैसे र ल न म स, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं टंग वाले कॉन्सोनेंट। टंग वाले कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, ठीक है, ये इनमें इनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट आते हैं वो आते हैं लिप्स वाले, होंठों वाले कॉन्सोनेंट, जैसे कि प प ब भ। तो जो टंग वाले कॉन्सोनेंट में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है क में। तो आज मैं बताऊंगा कि क को आप कैसे ठीक कर सकते हो। देखो, क की जो टंग पोजीशन है, वो टंग का जो पीछे वाला पार्ट होता है, पीछे वाला भाग होता है, ये पीछे वाला भाग ये लगता है। तो हमारी अब टंग जो स्टैमर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी टंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, इस वजह से हमारी टंग लगती हट जाती है। तो हम कैसे करते हैं, या तो ऐसे करते हैं या स्टक हो जाते हैं ना, इस तरह के होते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो जैसे कि आपको पता लग गया कि टंग का पीछे वाला पार्ट इसमें यूज़ होता है। जब भी आप स्पीड कंट्रोल थेरेपी का यूज़ करें तो पहले टंग के पीछे वाले पार्ट को लगा लें। कैसे, देखो मैंने टंग को पीछे किया, टंग का पिछला भाग उभर गया यानी कि मोटा हो गया और वो खुद ब खुद लग गया, ठीक है। लगाने के बाद आप क बोलोगे, क क क। मुंह मैं इसलिए खोल रहा हूं आपको दिखाने के लिए, आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद फील होना चाहिए कि हमारी टंग प्लेस हो गई है। पहले टंग की प्लेसमेंट करनी है, फिर उसके बाद बोलना है क क क। तो इसमें आप देखोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपका क निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर हो सकता है आप सिर्फ प्लेसमेंट करने से नहीं फंसते हो तो आप स्पीड में बोलो, जैसे क 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 क, लेकिन पहले प्लेसमेंट करनी है फिर क क क बोलना है। कैसे, अब मैंने टंग प्लेसमेंट की, क क क क क क क क क क, यानी टंग प्लेसमेंट करने के बाद बोलना है। इसके बाद हमें शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, पहले टंग प्लेसमेंट करनी है फिर शब्द बोलना है, जैसे कहना, किरण, कैसा, कुमार। यानी मैं पहले टंग प्लेसमेंट कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा भी थोड़ा सा गैप आ रहा है बोलने में, क्योंकि उसमें मैं टंग प्लेसमेंट करता हूँ फिर आराम से बोलता हूँ, जल्दी कोई नहीं है करने की, ठीक है। अब जैसे कि मैं सेंटेंस बोलता हूँ स्पीड कंट्रोल थेरेपी से, और उसमें जब क आएगा थोड़ा सा मैं टंग प्लेसमेंट करूँगा फिर बोलूँगा, आज मैं बाजार में केले लेने गया, केलों में बहुत ज़्यादा नरमाई थी, मुझे केले बहुत अच्छे लगते हैं, क्या आपको खाने हैं। यानी कि सेंटेंस बोलना है और आपने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं क के जिसमें ज़्यादा अटकते हो। यानी कि पहले आप टंग प्लेसमेंट करोगे, टंग प्लेसमेंट करने के बाद फिर शब्द बोलोगे। अगर आप पहले ही शब्द बोलने की कोशिश करो तो वो टंग तो इतने स्पीड से काम नहीं करती, आपकी नहीं लगेगी और वो नहीं निकलेगा। तो ये थेरेपी है, ये प्रैक्टिस है। अब आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। टंग एक्सरसाइज, वही टंग एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है जिसमें टंग के पीछे वाले पार्ट पे फ़र्क पड़े।
तो आप इसमें उन्हीं शब्दों का प्रैक्टिस करोगे जिनमें ज्यादा फंसते हो, या फिर आप सभी शब्दों का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बारह खड़ी का ध्यान रखना है, बारह खड़ी में बारह मात्राएं होती हैं, तो सभी मात्राओं के पांच पांच सात सात शब्द तो जरूर होने चाहिए। जैसे जैसे का, काकी, काला, काजल, ठीक है, इसके पांच चार पांच शब्द इसलिए। फिर छोटी की मात्रा है किनारा, ठीक है, किस्म, ठीक है, किला। फिर बड़ी की मात्रा कील, इसी तरह ओ की मात्रा कोमल, कुमार, छोटे ओ की मात्रा। तो सभी मात्राओं के आपने पांच सात शब्द लेने हैं, और खास तौर पे आप अपनी काउंसलिंग खुद करो और देखो कि कितने शब्दों में दिक्कत आती है क के, और उसमें धीरे धीरे आप देखोगे कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपका ये शब्द उठने लगेगा और आपकी जो स्टैमरिंग है क की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह क के साथ ख ग घ भी आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सभी में टंग का पीछे वाला पार्ट लगता है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा, अगर मेरी वीडियो के साथ साथ आपने खुद भी अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपका वर्ड उठ रहा होगा। इसी तरह आप सेंटेंसेस बोलिए, लोगों के साथ बातचीत करें, जब भी आप बातचीत करें थोड़ा सा गैप दे के टंग को प्लेसमेंट करके फिर बोले। कुछ दिनों बाद आपकी स्टैमरिंग छूमंतर हो जाएगी और आपको याद भी नहीं होगा कि आप इतना अटकते भी थे। इसके बावजूद भी दोस्तों कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जिसके जरिए आपको ठीक कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।